मालदीव के माले बंदरगाह से लगभग 200 यात्रियों के साथ कल भारत के लिए रवाना हो चुका है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 10 मई तक 23 फ्लाइट्स द्वारा लगभग 4,000 भारतीय जो विदेशों में फंसे हुए थे वापस भारत आए हैं। श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों के माध्यम से अब तक 5 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। अभी तक 468 विशेष ट्रेनें चल चुकी हैं, जिनमें से कल 10 मई को 101 ट्रेनें चली थी। कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही में दी रही सहायता की भी समीक्षा की गई। वीसी में और उसके पश्चात गृह मंत्रालय ने पत्र द्वारा राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी हालात में प्रवासी श्रमिक सड़क और रेलवे पटरियों का सहारा ना लें। यदि ये सड़क या रेलवे पटरियों पर पैदल यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके लिए बस या ट्रेन द्वारा यात्रा की व्यवस्था करने की चेष्टा की जाए। तब तक उनकी नज़दीकी शेल्टर होम में रहने की और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। राज्य सरकारें रेलवे को अपना सहयोग दें ताकि रेलवे अधिक से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला पाए और प्रवासी श्रमिक सुचारू रूप से अपने घर वापस जा सके। आज सुबह गृह मंत्रालय ने रेलवे और राज्य सरकारों के नोडल ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा की ताकि फंसे हुए लोग जल्द से जल्द अपने घर वापस आ सके। इस बात पर जोर दिया गया कि अगले कुछ हफ्तों तक रोज कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए जिससे श्रमिकों को वापस घर आने में कोई समस्या नहीं आए। भारतीय रेल 12 मई से चरणबद्ध तरीके से पैसेंजर ट्रेन्स का परिचालन फिर से आरंभ कर रही है। ये ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन्स के रूप में 15 डेस्टिनेशंस के लिए चलेगी। गृह मंत्रालय ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत ट्रेन द्वारा लोगों की आवाजाही के संदर्भ में एसओपी जारी की है, जिसके तहत ट्रेन्स के शेड्यूल, टिकट्स की बुकिंग एवं लोगों की आवाजाही से संबंधित प्रक्रिया इत्यादि के बारे में रेलवेज व्यापक प्रचार करेगी। कंफर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है, उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमैटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर यात्री को राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कल की वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्यों में डॉक्टरों, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने पर भी चर्चा की। तदोपरांत गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को पत्र लिखा है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन पर्सोनेल तथा एम्बुलेंस की बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित करें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम और लैब्स को सुचारू रूप से खोलने के लिए सभी ठोस कदम उठाएं। हमारी सभी से यह अपील है कि वे धैर्य बनाए रखें। हमारा अनुरोध है कि इन सभी प्रयासों में अपना सहयोग दें और लोगों को इन सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें, फैलाएं, उनको जागरूक करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। आज की ब्रीफिंग
मैं एक छोटी सी अपील से शुरू करना चाहूंगा। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था, तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उसे आराम देती थी। हम जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है, अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है, इसी में सबकी भलाई है। देखिए बीमारी कोई कलंक नहीं होता है, परिवार तो आपका भलाई चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। आज जब हम COVID-19 जैसी कम्युनिकेबल डिजीज से लड़ रहे हैं, तब कम्युनिटी से हमें हर तरह के सपोर्ट की सख्त जरूरत है, और इसमें सबसे अहम है हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि जिस भी किसी को COVID-19 के सिम्टम्स डेवलप हों, वह उसे छुपाए नहीं बल्कि सामने आकर उससे संबंधित इलाज ले। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो बीमार होंगे ही बल्कि अपने परिवार को भी बीमार कर सकते हैं। हर पेशेंट को अपने को बचाने के साथ साथ अपनी फैमिली को बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई हेल्थ सुविधाओं को अपनाते हुए इस लड़ाई में अपना योगदान देना होगा। देश में अब तक 20,917 लोग COVID-19 से क्योर हो चुके हैं और 44,029 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि टोटल केसेस में 4,213 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, पर साथ में ही 1,559 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि हमारा टोटल रिकवरी रेट अब 31.15% हो चुका है। कुल कंफर्म केसेस की संख्या इस समय 67,152 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 मई को कंफर्म COVID-19 पेशेंट्स के लिए एक रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी भी जारी की है। यह है मिनिस्ट्री द्वारा ऑलरेडी इशूड गाइडलाइंस, जो कि हमारे 3-tier कोविड फैसिलिटीज और कैटेगराइजेशन ऑफ पेशेंट्स बेस्ड ऑन क्लिनिकल सेवरिटी उसके साथ अलाइंड है। पहले जो क्राइटेरिया था कि या तो चेस्ट रेडियोग्राफ क्लियर होना चाहिए या 2 कॉन्जिक्यूटिव RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने चाहिए, उसके भिन्न होते हुए नई डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार जो केसेस जो कि माइल्ड हैं, वेरी माइल्ड हैं या प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं और कोविड केयर फैसिलिटी में एडमिट हैं, अगर सिम्टम की शुरुआत के 10 दिनों में उनको 3 दिन तक फीवर ना हो तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसे समय में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी 7 दिनों के लिए उन्हें होम आइसोलेशन का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो केसेस मॉडरेट हैं और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में एडमिटेड हैं, उनमें से जो पेशेंट 3 दिनों में रिजॉल्व हो जाते हैं जिनके सिम्टम, और जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहते हैं यानी कि जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन अबव 95% है, ऐसे पेशेंट्स को सिम्टम्स के 10 दिनों के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। यदि वह पेशेंट उनको कोई फीवर ना हो विदाउट एंटीपायरेटिक, उनको कोई ब्रेथलेसनेस के सिम्टम ना हो और उनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड ना हो। लेकिन इसके साथ ही वह मॉडरेट पेशेंट जिनको फीवर 3 दिन में रिजॉल्व नहीं होता और वह ऑक्सीजन थेरेपी पर कंटिन्यू करते हैं, इन केसेस में पेशेंट्स को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब उनके क्लिनिकल सिम्टम रिजॉल्व हो जाएं और लगातार 3 दिनों तक ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करने की एबिलिटी हो। यह ध्यान देना चाहिए कि मॉडरेट संबंधित इन केसों में भी डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद 7 दिन तक होम आइसोलेशन का पालन करना होगा। इसके साथ ही सीवियर केसेस और साथ केसेस जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसे कि HIV पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट रेसिपियंट्स, मेलेग्नेंसी एटसेट्रा, ऐसे पेशेंट्स को
तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब या तो वह क्लिनिकली रिकवर हो जाए या उनके पेशेंट्स को आरटीपीसीआर के द्वारा नेगेटिव घोषित किया जाए। यह डिस्चार्ज पॉलिसी इसलिए चेंज की गई है कि अगर हम देखें भी कई देशों ने एविडेंस के बेसिस पर अपनी डिस्चार्ज पॉलिसी में टेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी के बदले सिम्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी और टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी का बदलाव किया है, उसके तहत ही इसमें हम चेंज लाए हैं। साथ ही आईसीएमआर के लैब सर्वेलेंस डेटा के रिव्यू के अनुसार भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव केसेस पेशेंट्स 10 दिन बाद नेगेटिव टर्न हो जाते हैं। रिसेंट स्टडी से यह भी पता चला है कि वायरल लोड पीक इन द प्री सिम्टोमैटिक पीरियड यानी कि सिम्टम से दो दिन पहले और अगले 7 दिनों में नीचे चला जाता है। यह डिस्चार्ज पॉलिसी आरटीपीसीआर डायग्नोज पेशेंट्स के लिए है। यह जानना जरूरी है कि यह डिस्चार्ज पॉलिसी होम और फैसिलिटी क्वारंटाइन पेशेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि क्वारंटाइन एसिम्प्टोमेटिक और हेल्दी पर्सन के लिए है जो वायरस से एक्सपोज हैं लेकिन उन्हें कोई सिम्टम नहीं दिखता है। हाउएवर क्वारंटाइन फैसिलिटी पर उनका स्टे 5 मई को जारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के तहत लास्ट एक्सपोजर से 14 दिन तक रहेगा और डिस्चार्ज पॉलिसी से संबंधित एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए हैं। इसी संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने होम आइसोलेशन ऑफ वेरी माइल्ड और प्री सिम्टोमेटिक कोविड 19 केसेस के लिए भी एक रिवाइज गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार वेरी माइल्ड और प्री सिम्टोमेटिक कोविड 19 केसेस के लिए होम आइसोलेशन पीरियड समाप्त होने के बाद टेस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। हाउएवर आई वुड स्टिल लाइक टू रिट्रीट ए फ्यू पॉइंट्स दैट दोज पेशेंट्स हु आर अंडरगोइंग होम आइसोलेशन शुड स्ट्रिक्टली एडियर टू। उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना होगा, हमेशा ट्रिपल लेयर्ड मास्क पहनना होगा, एक आइडेंटिफाइड रूम में आइसोलेशन मेंटेन करना होगा। वह जो एल्डरली हैं या जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं या और फैमिली मेंबर हैं उनसे दूर रहें, हेल्थ हाइजीन मेंटेन करें और अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करें। अगर कोई भी हेल्थ सिचुएशन डिटेरियोरेट होती हो तो वह संबंधित मेडिकल अधिकारी को सूचित भी करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा और सिक्किम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों में कोविड स्थिति की समीक्षा की। राज्यों को माइग्रेंट लेबरर्स स्टूडेंट्स और विदेश से लौटने वालों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा जो प्रोटोकॉल बताया गया है उसके तहत स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन मेजर्स एंश्योर किए जाएं, उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। साथ ही राज्यों को यह भी कहा गया है कि वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रिलेटेड स्पिटिंग से रिलेटेड जो प्रोहिबिशन है उसको इफेक्टिवली लागू किया जाए। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोविड 19 मैनेजमेंट की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंडौली जेल जो कि नई दिल्ली में स्थित है वहां स्थित कोविड केयर सेंटर का दौरा भी किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कोविड कलच एलाइजा नामक IgG एलिजा टेस्ट किट को डेवलप किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस संदर्भ में कहा कि इंडिजिनस टेस्ट कोविड 19 के सर्वेलेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ ही भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन किए गए पर्सनल प्रोटेक्शन किट को भी इनमास यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन और अलाइड साइंसेज द्वारा हाईएस्ट टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ सर्टिफाई किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने वैक्सीन डायग्नोस्टिक्स थेरेप्यूटिक्स और अदर टेक्नोलॉजी से संबंधित 70 प्रपोजल को भी शॉर्टलिस्ट करके फंडिंग के लिए सेलेक्ट किया है। जहां एक और हम समाज में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर प्रमोट करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हम सबको मिलकर कोविड 19 से जुड़े हुए स्टिग्मा से भी लड़ना होगा। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। इसी संदर्भ में MyGov द्वारा बनाया गया एक और वीडियो भी मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। धन्यवाद। देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है,
देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, पर मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत घर लाएंगे। फ्रेंड्स, एम्पावर्ड ग्रुप नाइन चेयरमैन इज विद अस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ग्रुप के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दें, प्लीज। I am Ajay Sahni, chairman of the Empowered Group 9. Empowered Group 9 को जो responsibility दिया गया है वो है technology and data management for this combating this crisis. उसके तहत इस group ने 6 major principles लेकर आगे काम शुरू किया। इसमें पूरा जो हमारा सैंपल कलेक्शन से लेकर टेस्टिंग, ICMR, NCDC, मिनिस्ट्रीज, सिटीजन्स जिनको की कुछ सुविधाएं उपलब्ध करनी है, इंडस्ट्री और पब्लिक को, कमर्शियल एंटिटीज को और स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको किस तरह की डेटा और उस तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, उसमें काम शुरू किया। और उसमें एक सबसे पहला काम ये रखा कि सिटीजन्स के लिए किस तरह का टूल डिप्लॉय किया जाए, जो कि आरोग्य सेतु के रूप में उभर के आया, और उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। उसके बाद डेटा अवेलेबिलिटी जो कि टेस्टिंग से रिलेटेड है, ICMR, NCDC और स्टेट्स में, उसको उसका फ्लो कैसे बनाया जाए, उसमें मदद करने की कोशिश की। उसके अलावा जो स्मार्टफोन्स के लिए तो आरोग्य सेतु ऐप आया, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास फीचर फोन है या लैंडलाइन है, उनको किस तरह से मदद की जा सके, उसकी भी चिंता की गई। और डेटा प्राइवेसी के ऊपर काफ़ी काम किया गया कि ये ना हो कि हम किसी के पर्सनल डेटा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।